तो हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनकी मार्किंग हमारी बची हुई थी, तो उनकी मार्किंग हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र में आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, एक सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और एक पढ़ा H2SO4। तो फटाफट दोनों की मार्किंग शुरू करते हैं। अब देखो, कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र में जो पहला टॉपिक है सल्फ़र डाइऑक्साइड, उसमें आपका जो ये पहली सब हेडिंग है प्रिपरेशन, यहीं से सवाल आ जाएंगे कि बताइए SO2 को किन किन तरीकों से कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो तीन तरीके हैं आपके बुक में, आपको तीनों तरीके याद रखने हैं। बट जो इनमें से मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में तुम लोगों को पूछा जा सकता है, वो है ये वाला थर्ड वाला तरीका कि हाउ SO2 कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज, या व्हाट इज़ द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO2, ऐसा मुझको लगता है। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, एक मिनट, थोड़ा मोटा हो रहा है, इसको पतला कर लेते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे पास आएगा वो ये लिख देना, डिस्कस वेरियस, ठीक है, मैथड्स बाय विच यू कैन प्रिपेयर SO2, ठीक है, जिसके वाया तुम SO2 प्रिपेयर कर सकते हो। ये पहला क्वेश्चन आ गया। अब इसमें टोटल तीन प्रिपरेशन मेथड है, आपको तीनों लिखनी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि तुमको अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर टू इस तरीके से ये पूछा जा सकता है, हाउ सल्फर डाइऑक्साइड, हाउ SO2, एक मिनट, हाउ SO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सल्फ़र, ठीक है, आप उसको सल्फ़र की मदद से कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर ये पूछ लेगा तो आपको सिर्फ पहला पॉइंट लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अलोंग विद द फिजिकल स्टेट कि कौन सा गैस है, कौन सा सॉलिड है, इस तरीके का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री में अगर हम लोग आते हैं तो अगेन यही सेम क्वेश्चन रहेगा, उसमें बस ये जो वर्ड है ना BY, इसके आगे लिख देगा वो हाउ सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, क्योंकि ये जो है ये सल्फाइट वाली जो मेथड है ये बेसिकली लेबोरेटरी मेथड है। सल्फाइट, ध्यान से सुनना, FITE, कंफ्यूज मत होना, सल्फाइट वाली जो मेथड है ये कौन सी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड। और नीचे देखो, नीचे क्या लिखा है, FIDE, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है, शायद पता होगा, 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, 10वीं 9वीं में। सल्फाइड जो होता है PHIDE, इसे कहते हैं S की पावर 2 निगेटिव, जो सल्फाइट होता है PHITE, इसे कहते हैं SO3 की पावर में 2 निगेटिव। क्लियर है यारी चीज़, ठीक है, ओके। तो अभी तुमको सल्फाइट अगर बोला जाए, यानी कि समझ जाओ कि वो तुमसे कौन सी मेथड पूछ रहा है, लेबोरेटरी, तो पेपर में ये भी आ सकता है हाउ SO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सल्फाइट, या फिर और में आप लोगों का लेबोरेटरी मेथड। तो आपको पॉइंट नंबर टू लिखना है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा। क्वेश्चन नंबर फोर आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, यही सब कुछ प्रवचन, और बाय सल्फाइड PHIDE, ध्यान रखना, पेपर में कंफ्यूज मत हो जाना ITE और IDE के इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। और इस मेथड को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, तो इसमें आपको सिर्फ पॉइंट नंबर तीन लिखना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हो गए आपके टोटल चार क्वेश्चंस। इज इट क्लियर किस तरीके से हमने चार क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, ओके। अब यहाँ पे देखो, आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, आयरन पाइराइट, जैसे अभी तो मैंने इस पर्टिकुलर पहले पैराग्राफ से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मार्क करवाए, अब इससे एक जनरल नॉलेज वाला फैक्ट हम मार्क कर लेते हैं, वो क्या है, ये जो वर्ड है आयरन पाइराइट्स, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आयरन पाइराइट्स बेसिकली इसे कहा जाता है, तो ये तुम्हारा नोट्स नंबर वन है। जब आज की मार्किंग खत्म हो जाएगी, कॉपी के पीछे एक हेडिंग देना नोट्स, पॉइंट नंबर वन डाल के लिखना, आयरन पाइराइट, छोटा सा डैश FeS2, ऐसे कंप्लीट करना, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेशन वाला पार्ट खत्म। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि प्रिपरेशन वाली चीज़ें आपको इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी पूछी जाए, कल को ऐसा भी हो सकता है पेपर में आपको आधी अधूरी रिएक्शन दे दे, मतलब
आपको ये दे दे और बोले कि राइट साइड वाला लिखो, हो सकता है आपको राइट साइड वाला दे दे और आपको लेफ्ट साइड वाला लिखने को बोले। तो अगर आपने आंसर याद किया है उससे रिलेटेड, अगर आपने डायरेक्शन याद की है तो आधा अधूरा दे कि पूरा दे, आप तो पूरा ही लिख सकते हो ना उसको, फिर आपको थोड़ी ना किसी का वेट करने की नीड है, राइट, कि अच्छा ये तो आधा दिया रे यार, ये तो पूरा दिया है ना। अगर आपको रिएक्शन याद है उसमें से कोई भी चीज़ वो आपसे मिस करेगा, कोई भी चीज़ वो आपसे पूछ लेगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट में मूव करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें क्या मैं बोलूँ, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से क्रिएट कर लेना। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, ये आप करेंगे लर्न, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट कलरलेस गैस, हैविंग पंजेंट स्मेल, इसको दो अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखना, एक पॉइंट में मत कर देना। अगर एक पॉइंट में कर दोगे ना तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो, और एक ही पॉइंट में कर देने से वो चीज़ लगेगी अरे कम में ही ख़त्म हो गया। कैसा है, आप अगर उसको दो पॉइंट्स में लिखाओगे तो सामने वाले को देखने पे ये लगेगा अरे वाह इसने तो दो पॉइंट्स में लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो आपको अच्छा है कि आपका एक पॉइंट लर्न करने के नाम पर आपको दो का बेनिफिट मिल गया इसीलिए, ठीक है। तीसरा वर्ड, इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, ये अगर मैं होती तो मैं इसको तीसरा पॉइंट याद करती, ठीक है। और हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये मैं पॉइंट याद रखती, बाकी का पीछे का मैं बिल्कुल याद नहीं रखती। इज़ कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड, ये मैं प्रॉपर्टीज़ में याद नहीं रखती, ठीक है, बिल्कुल याद नहीं रखती, सिर्फ इतना हाईली इट ये SO2 इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तीन पॉइंट्स ऊपर हो गए थे, चौथा पॉइंट मैं ये याद रख लेती, और मैं ये वाले पॉइंट को तो मैं देखती ही नहीं, ठीक है, ये वाली चीज़ को तो मैं देखती ही नहीं, एकदम नहीं देखती। तो आप भी उसी चार पॉइंट से फोकस करिए। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो एक स्टूडेंट क्या करेगा, अगर वर्ड टू वर्ड रट्टा मारेगा तो वो ये चार पॉइंट्स याद करेगा, और आखिरी वाले पॉइंट में टेम्परेचर इन्वॉल्व है, प्रेशर इन्वॉल्व है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम टेम्परेचर याद नहीं कर सकते, तुम प्रेशर याद नहीं कर सकते, तुम सब कर सकते हो, बट क्यों याद करना, क्या मिल जाएगा यार टेम्परेचर और प्रेशर याद करके। कोई तुमसे नहीं पूछने वाला कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस कितने कितने टेम्परेचर पे होती है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस कितने कितने प्रेशर पे होती है, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू, सो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, ठीक है। चार पॉइंट्स आप ऊपर के तीन पॉइंट्स बना लो, आखिरी वाले पॉइंट्स से आप बच जाते हो, इज़ इट ओके, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन है। अब देखो इसके हर एक पॉइंट से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि फलाना चीज़ फलाने चीज़ से रिएक्ट की, इसकी रिएक्शन लिखो। जैसे जब तुम 10th क्लास में होते थे तो तुमको यूजुअली रिएक्शंस नहीं होती थी, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, है ना, और उसके बाद जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये इस टाइप के प्रोडक्ट लिखने वाले ये वाली चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग से इस बात के पूछे जाने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम है कि अलग से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया कि डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। मुझे ऐसा नहीं लगता, बट फिर भी अगर हम ऐसा क्वेश्चन की बात करें, एक मिनट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 गैस, ये मान के चलते एक क्वेश्चन आता है, तो देखिए ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये तीसरी प्रॉपर्टी, ये चौथी प्रॉपर्टी, ये पांचवी प्रॉपर्टी, ये पांचों प्रॉपर्टीज़ और इनकी इतनी सारी रिएक्शंस आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, इतनी सारी रिएक्शंस। बट क्या सही में हम इतना सारा लिखेंगे? तो अभी मैं जितना जितना मार्क करा के दे रही हूँ सिर्फ उतना उतना लिखना, बाकी पूरा लिखने की नीड नहीं है। अब हो सकता है ये क्वेश्चन पूरा एक साथ ना पूछते हुए ये क्वेश्चन आपको सब पार्ट्स में पूछे, ठीक है, कि बताइए ये रिएक्ट करेगा उसके साथ तो क्या बनेगा, और जनरली उसी के आने की प्रोबेबिलिटी है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये पूछ लेगा, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन आपका SO2 एंड Cl2, ये पूछ लेगा, ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो आपको क्या लिखना है, ये रिएक्शन लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस कैटलिस्ट को नहीं भूलना है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में चारकोल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। हो सकता है कल को इसी पार्ट से MCQ क्रिएट हो जाए कि वैन SO2 रिएक्ट्स Cl2 विच कैटलिस्ट इज यूज्ड टू फॉर्म सल्फ्यूरल क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए चारकोल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्वेश्चन नंबर 7 अगर आता है व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ SO2 विच Cl2, तो यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे
और वो एंडिंग तक बेसिकली पूरा ही आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पॉइंट बनेगा वो ये पहला पैराग्राफ बन जाएगा। हेडिंग देना, रिएक्शन विद Cl2 और उठा के पूरा का पूरा छाप देना, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा आ सकता है आप लोगों का, रिएक्शन बिटवीन आपका या फिर रिएक्शन ऑफ SO2 बिट O2 ऐसा आ सकता है ना। तो ये वाला हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ तक कि SO3 गैस बनता है और यहाँ पे कैटलिस्ट के नाम पर किसको यूज़ करते हैं, V2O5 को, वैनेडियम पेंटोक्साइड को, ये आपको आ सकता है। अब यही पॉइंट नंबर 2 या यही क्वेश्चन नंबर 8 आपके क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग का पॉइंट 2 बन जाएगा, डन। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, रिएक्शन विथ NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन बताओ, राइट। तो ये तो बल्कि आप मान के चलो मेरे हिसाब से ये जो रिएक्शन टाइप के क्वेश्चन नहीं आते NaOH में SO2 डाला बताओ क्या बनेगा, उस टाइप में आपको ये बहुत पूछा जा सकता है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको आराम से पूछी जा सकती है। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 9 आपको इस तरीके से आ जाएगा, रिएक्शन बिटवीन आपके SO2 एंड NaOH। हो सकता है कल को NaOH के बजाय KOH हो, तो अगर KOH होगा तो यहाँ बस K कर देना और कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ से लिखना शुरू करोगे, यहाँ पे ख़त्म करोगे और यही तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 3 बन जाएगा। हेडिंग देना रिएक्शन विथ NaOH और लिख डालना पूरा का पूरा पैराग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में मूव करते हैं, रिएक्शन विथ Na2SO3, राइट। कि अगर हमारे पास Na2SO3 है और उसके साथ अगर हम SO2 रिएक्ट करवा रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लगती है आने की, बट स्टिल मैं पेपर बनाने वाली इंसान तो हूँ नहीं, सो हु आई एम टू जज कि आएगा ये नहीं आएगा। आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर मुझको ये सवाल देना होता तो क्या मैं ये खुद देती, क्या मैंने खुद कभी ये सवाल पेपर्स में उतने बार ज़्यादा बार एनकाउंटर किया है जब मैं 12th पढ़ती थी, तो उसके हिसाब से। अदरवाइज़ मैं पेपर नहीं बनाने वाली हूँ बोर्ड्स का, तो मुझे तो नहीं पता कि मैं कौन सा सवाल दूंगी या कौन सा नहीं दूंगी। तो इस तरीके से बोलना कि नहीं नहीं ये आता है ये नहीं आएगा, ये आएगा ये नहीं आएगा, तो गलत है ना। आपको पढ़ना पूरा चाहिए, आप कुछ भी सकता है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी सी कम लगती है, बट स्टिल यू कैन लर्न इट, के क्योंकि कोई ज़्यादा कठिन नहीं है बराबर, इसीलिए। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बन जाएगा, रिएक्शन ऑफ SO2 विथ Na2SO3 बराबर ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, है ना, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। अब सबसे अच्छा यही क्वेश्चन नंबर 10 का जो फोर्थ पॉइंट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 का कि डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, इसका ये क्या बन जाएगा, फोर्थ पॉइंट बन जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट की, ठीक है। चलो फिफ्थ पॉइंट में आते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, दो तरीके हैं फिफ्थ पॉइंट के क्वेश्चन को पूछने के। पहला वो तुमसे इस तरीके से पूछेगा, डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या फिर रिड्यूसिंग नेचर या प्रॉपर्टी, कोई भी वर्ड वहाँ पे लिखा जा सकता है, ऑफ SO2 गैस। मतलब ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिनके वाया आपको ये पता चलता है कि SO2 एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, डन। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, 2H2O, 4H पॉजिटिव, ये बैलेंसिंग से आते हैं। आपको शायद याद होगा जब मैंने आपको रेडॉक्स चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने दो मेथड्स बताई थी किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की। जब आप छोटे होते हो क्लास 10th में तो आप बैलेंसिंग सीखते हो ना, बस वो रेडॉक्स वाली बैलेंसिंग क्लास 10th की बैलेंसिंग के जैसी नहीं होती। यहाँ पे हमको चार्ज बैलेंस करना पड़ता है और उसके अलावा वाटर वगैरह से हम लोग उसको लेफ्ट साइड राइट साइड बैलेंस करते हैं। तो रेडॉक्स में आपको बैलेंसिंग सिखाई है, मैंने रेडॉक्स में अच्छे से बैलेंसिंग सिखाई है, तो मैं उसमें एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि बैलेंसिंग को आप मत रटो, क्योंकि पेपर में अगर आप सोचोगे कि मैं रट के चला जाता हूँ 2Fe3+SO2, आप भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे कि H2O लेफ्ट में था कि राइट में था, इसीलिए मत रटो, ठीक है। वो जो सिखाया था 11th क्लास में रेडॉक्स, उसको पढ़ लो, एक मिनट पानी ब्रेक। ठीक है, तो रटो मत, उसको सीख लो। सीखने से क्या होगा, लाइफ में आगे भी काम आएगा, प्लस रटने की भी जरूरत नहीं होगी। कल को तुम्हें अगर किसी को पढ़ाना रहे तो तुम भी किसी को पढ़ा सकते हो।
अच्छा दूसरी चीज़, आप कोई ऐसे हैं कि नहीं मैडम हमको ना सीखना है ना हमको रटना है, आपको एक शॉर्टकट बताओ, तो शॉर्टकट सिंपली ये है कि आप बस इतना याद रखें, बस जो मैंने नोट्स कॉपी में लिखवाया था पहला पॉइंट कि अगर SO2 गैस की रिएक्शन Fe3+ के साथ होती है, क्योंकि SO2 रिड्यूसिंग नेचर का है, मतलब वो खुद का बेचारा, वो खुद का अपना क्या कर लेगा बताओ, अपना वो क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या कर देगा, रिडक्शन। तो Fe3+ को कन्वर्ट कर दो किस में, Fe2+ में, और SO2 को कन्वर्ट कर दो SO4-2 निगेटिव में। ये ऐसे ख़त्म हो गया क्वेश्चन, नो नीड ऑफ बैलेंसिंग, नो नथिंग, बस इतना लिख देना SO2 रिड्यूसेस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस फेरिक सॉल्ट इनटू फेरस सॉल्ट। फेरिक का मतलब होता है जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, फेरस का मतलब होता है जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे करना है। पॉइंट नंबर बी में आते हैं, क्या सिर्फ आयरन को ही रिड्यूस करता है, नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों को रिड्यूस करता है, उसमें से हमको सिर्फ 3 याद रखनी है, बस ज़्यादा याद नहीं रखनी। दूसरे नंबर की आपको ये याद रखनी है SO2 की रिएक्शन KMnO4 के साथ, ठीक है, SO2 की रिएक्शन KMnO4 के साथ, तो SO2 प्लस KMnO4। अब देखो कई बार इसको लोग KMnO4 लिखते हैं अगर अच्छे बच्चे हैं तो, या फिर कई बार आपको परेशान करने के लिए वो लोग सिर्फ सामने का K हटाकर उसको MnO4 निगेटिव लिख देते हैं, राइट। तो ऐसे केस में आपको एक ही नियम याद रखना है, SO2 खुद को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज, और दुनिया में जब जब SO2 खुद को ऑक्सीडाइज करता है हमेशा कन्वर्ट होता है SO4-2 निगेटिव में। देखो ऊपर भी SO4-2 निगेटिव में कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पे भी वो खुद को SO4-2 निगेटिव में कन्वर्ट करेगा, और जो KMnO4 है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है ना, और उसको कैसे ऑक्सीडाइज कर देता है, वो उसको ऑक्सीडाइज करके बना देता है उसका MnSO4, उसका उसको ऑक्सीडाइज करके वो क्या बना लेता है, उसका MnSO4 बना लेता है। ये देखो यहाँ बुक में MnSO4 लिखा है, ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा मैडम यहाँ बुक में SO4-2 निगेटिव तो नहीं लिखा, भाई ये K2SO4 ही तुम्हारा SO4-2 निगेटिव है, अगर सामने के दो K को तुम हटा दोगे तो एक K के ऊपर +1 होता है, दो के ऊपर +2 होगा तो SO4-2 निगेटिव हो जाएगा, तो तुम ये भी लिख सकते हो, कोई झंझट मत पालो बैलेंसिंग करने की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप बैलेंसिंग नहीं भी करते हो इतना भी लिखते हो तो भी फुल मार्क्स मिल जाएगा, बस बशर्ते तुम्हारी किस्मत फूटी नहीं होनी चाहिए कि कल को क्वेश्चन के एग्जामिनर ने तुमको ये पूछ लिया राइट द वेल बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर वेल बैलेंस पूछ लिया भाई तब तो लिखना ही पड़ेगा, और उसमें भी अगर तुम्हें बैलेंसिंग याद नहीं है, अगर तुम्हें बैलेंसिंग करना भी नहीं आता है, तो पेपर को ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है इतना तो लिख कर आ जाना, वो आधा ही मार्क्स दे देगा, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा कम से कम आधा ही दे देगा कि चल लड़के ने रिएक्टेंट या लड़की ने प्रोडक्ट्स वगैरह बराबर लिखे हैं, ठीक है, अच्छा। और तीसरा रिड्यूसिंग नेचर को शो करने वाली रिएक्शन होती है आयोडीन और SO2 के बीच में, एज यूजुअल आयोडीन खुद को क्या कर लेगा, रिड्यूस, खुद को रिड्यूस करके वो खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, आई निगेटिव में। अब तुम चाहो तो आई निगेटिव लिख सकते हो, या आई निगेटिव के बदले अगर तुम्हें HI लिखना है तो तुम वो भी लिख सकते हो, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं आई निगेटिव लिखती, मैं कभी इस चीज़ को ये नहीं लिखती HI, मैं आई निगेटिव लिखती। सिमिलरली SO2 खुद को किस में कन्वर्ट कर लेगा, SO4-2 निगेटिव में। अब यहाँ पर इसने SO4-2 निगेटिव ना लिखते हुए इस चीज़ को क्या लिखा हुआ है, H2SO4। देखो ना एक H के ऊपर +1 होता है, सामने दो H हैं, अगर मैं उन दोनों H को हटा दूं, यानी कि मैंने +2 हटा दिया, तो पावर में कितना आ जाएगा, पावर में -2 आ जाएगा, तो बात वही होती है। लेकिन इससे कैसे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, हम रटने शुरू कर देते हैं कि ये वाला आया था तो H2SO4 लिखना है, वो वाला आया था तो K2SO4 लिखना है, वो वाला आया था तो कुछ नहीं लिखना है, कन्फ्यूजन होता है। उससे बेस्ट एक ही सिंपल सा लॉजिक, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है, SO2 को राइट साइड जब लेकर जाओगे, मतलब एरो के साइड जब प्रोडक्ट लिखोगे, चुपचाप SO4-2 निगेटिव लिख दो, बात ही खत्म। अब वो K2SO4 है, वो H2SO4 है, जाने दो मैडम, कोई दिक्कत नहीं, अपनी परेशानी वो नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वेल बैलेंस करने को ना बोला, ठीक है, और मेरे को नहीं लगता वेल बैलेंस के लिए बोलेगा तुमको, खैर। और हाँ, लेकिन ये याद होना चाहिए कि Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, I2 I निगेटिव में कन्वर्ट होता है, KMnO4 आपके
MnSO4 में कन्वर्ट होता है, ये आपको लेकिन याद होना चाहिए। लेकिन SO2 हमेशा मैडम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जब जब शो करेगा वो आप लोगों के किस में कन्वर्ट होगा बताओ, आपके SO4 निगेटिव में। ये अलग से क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, अलग से आ सकता है, अलग से आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आता है तो ये तीनों लिखोगे। मेरे को अगर पेपर में पूछा जाता इन केमिकल रिएक्शंस में से, तो अगर मुझे 1 मार्क के लिए पूछना होता तो या तो मैं पहली वाली पूछती या तो मैं दूसरी वाली पूछती, और इन पहली और दूसरी में से मैं इनके MCQs बनाती। इनके कभी रिएक्शन लिखने को नहीं देती, मैं इनके MCQ बनाती कि फलाना बताओ इस रिएक्शन में फलाना कैटलिस्ट कौन सा है, ये कौन है वो कौन है, मैं इस तरीके से पूछती, ठीक है। और अगर मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक से 3 मार्क का क्वेश्चन क्रिएट करना है तो मैं ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाला पूछती। देखो 3 रिएक्शन 3 मार्क्स कंप्लीट। अच्छा अब कैसा है, कई लोगों की आदत होती है सिर्फ रिएक्शन 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 लिख के आ जाएंगे और सोचेंगे कि फुल मार्क्स मिलेंगे। भाई क्यों देगा फुल मार्क्स, हमारा रिश्तेदार थोड़ी ना है कि जो हमें फुल मार्क्स दे देगा वो फिर, हाँ क्यों देगा आपको फुल मार्क्स, किस खुशी में देगा आपको फुल मार्क्स। आपको वहाँ पे रिएक्शन के साथ साथ वहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखना है, ठीक है, आपको वहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखना है। जैसे जब तुम ये आयरन वाली रिएक्शन लिखो तो अपनी ही इंग्लिश में, अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिख देना, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस फेरिक सॉल्ट इनटू फेरस। जब KMnO4 वाली रिएक्शन लिखो तो वहाँ लिख देना सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस, ठीक है, आपका पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद जब आयोडीन वाली लिखो तो लिख देना SO2 कन्वर्ट्स I2 इनटू I नेगेटिव। मतलब बेसिकली उसको स्टेटमेंट दिखना चाहिए, इट विल मेक योर आंसर क्वाइट और लिटिल बिट लेंदी एज वेल एज मोर प्रेजेंटेटिव। अदरवाइज वो ऐसा लगेगा कि लड़के ने या लड़की ने फटाफट काम निपटाने के चक्कर में फटफट रिएक्शन लिख दी, ऐसा घसीटा छाप काम मत करना, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ का था। अब हमारा डिस्कशन ये चल रहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 में 4 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि मैडम डिस्कस करिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 गैस, तो पेपर में तो 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो कितना लिखें। तो देखो 4 मार्क्स का मतलब होता है लेंदी क्वेश्चन, और लेंदी क्वेश्चन में आपको चीज़ें लिखनी है कम से कम डिटेल में कि आपको उतने अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो एक प्रॉपर्टी मतलब 1 मार्क्स, दूसरी प्रॉपर्टी मतलब 2 मार्क्स। तो आपके इस पूरी बुक में SO2 की टोटल 5 प्रॉपर्टीज है, स्टार्टिंग की 4 छोटी हैं, रिड्यूसिंग वाली बड़ी हैं। तो ऐसे में अगर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आप इनमें से कोई भी 4 लिख दीजिएगा, काम खत्म। बल्कि मैं अगर तुम्हारी जगह पेपर लिखती, मैं 4 तो लिखती, मैं 5वीं भी लिख कर आती ये रिड्यूसिंग वाली, और 5वीं में कोई एक एग्जाम्पल दे देती, सेफर साइड में मैं खेलती, ताकि इमेजिन करो देखो कैसा है। मान लेते हैं मेरे से आगे जो लड़का या लड़की जिसका भी रोल नंबर है वो बैठा है और उसने 5 प्रॉपर्टी लिख के रखी है, ठीक है। तो एग्जामिनर जब उसका पेपर चेक करेगा तो वो उसको देगा 4 में से 4, क्यों, क्योंकि उसने पूरा लिखा है। और जब वो उसके बाद मेरा पेपर चेक करेगा तो क्या देखेगा, अरे इसे रिड्यूसिंग के बारे में नहीं लिखा, भले ही मैंने 4 मार्क्स के हिसाब से ठीक लिखा है, और वो ये देखेगा कि अरे मैं भी 90+ जा रही हूँ, मतलब वो भी 90+ जा रहा है या 80+ 70+ वॉट एवर द मार्क्स है। तो अब वो कॉम्पिटिशन कैसे अराइज हो कि कैसे इस इंसान को ज़्यादा नंबर रखें, कैसे इसके कहाँ नंबर काटें। तो वो लोग क्या करेंगे, फिर मेरे मार्क्स में से, मेरे पैराग्राफ में से, मेरे आंसर में से आधा मार्क काट लेंगे सामने वाले के पेपर को देखते हुए कि अरे यार सामने वाले का आंसर से बेटर था। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि उसका मूड कैसा है, सामने तुमसे आए हुए पेपर्स कैसे। अगर मान लेते तुमसे आए हुए सामने पेपर्स, अब मैं देखो जब 12 बोर्ड्स का पेपर लिखी थी तो मैं जिस रूम में बैठी थी, मेरे कॉलेज के जो सर्वोच्च महान लोग थे जिनको कुछ नहीं आता था वो बैठे थे आजू बाजू, मतलब मैं ऐसे जगह फंसी थी, मेरे सारे दोस्त ऐसे ऐसी जगह पे गए थे कि अरे वाह हमारे आजू बाजू तो सब पहचान वाले, वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बट ऐसे महान महान लोग बैठे थे आगे पीछे आजू बाजू। तो ऐसे में क्या होता है कि जब उन सारे गंदे पेपर्स के बीच में एक अच्छा पेपर आपका आ जाए तो वो आपको अरे वाह यार पहले एक अच्छा पेपर तो मिला, टिक आगे बढ़ो, टिक आगे बढ़ो, 4 4 4 4 इस तरीके का एटीट्यूड, क्योंकि उसको लगता है कम से कम कुछ तो मेरे को मिला अच्छा। लेकिन अगर तुमसे आगे अच्छे पेपर्स चले गए हैं तो फिर उन आगे अच्छे पेपर्स को वो अपना रेफरेंस रखेगा और फिर तुम्हारे मार्क्स काटेगा धाएँ 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 धाएँ, राइट। अच्छा लेकिन अगर मान लेते तुम एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट हो,
कि अरे मैडम हमारे तो 70 में से 20-30 आ रहे हैं, तो तुम्हारे कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, बल्कि तो इस बात पे खुश हो जाएगा कि चलो करके इसने कुछ तो लिखा। लेकिन अगर तुम 70 में से 60 प्लस जा रहे हो तो तुम्हारे मार्क्स काटने के बहाने ढूंढेगा। तो अपना अपना स्टेटस देख लेना कि तुम किस किस लेवल के हो, सबको अपना अपना पता होता है, उसके हिसाब से पेपर लिखना। तो अगर तुम्हें ऐसा यकीन है कि नहीं मैं तो मेरा तो अच्छा स्कोर जा सकता है पेपर में, तो रिस्क मत लेना। 4 पॉइंट लिखने के बाद एक 5वां पॉइंट लिख देना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की हेडिंग का, कि उसको दिखे कि हाँ इस लड़के या इस लड़की को भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में पता है, और एक इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन लिख देना, बट इसने एलाबरेट नहीं किया तो तुम्हारे मार्क्स फिर नहीं कटेंगे। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं एग्जामिनर होती और अगर मैं पेपर चेक कर रही होती तो मैं ऐसा करती। मान लेते मेरे पास एक पेपर कृतिका का है और एक पेपर मान लेते मेरे पास आदित्य शुक्ला का है, और कृतिका ने एकदम भर भर के लिखी है, हाँ, और आदित्य शुक्ला ने उसमें लिखा है एकदम ठीक ठीक कि कोई बोल नहीं सकता कम है, कोई बोल नहीं सकता ज़्यादा है। लेकिन अगर मेरे सामने कृतिका, श्रेया, जानवी, गुंजाली, क्षितिजा, इनके पेपर्स अगर आ गए हैं, तो फिर मैं क्या करूँगी, शुक्ला के आधे मार्क काट दूँगी। अरे यार, इसका पेपर उनके रेफरेंस के लेवल पे अप टू द मार्क नहीं है। बट अगर मान लेते मेरे सामने पेपर आ गया गौरव, आर्यन, देवेन, पूर्वा, है ना, इन लोगों का, तो ऐसे पेपर के बारे में मेरे पास शुक्ला का पेपर आएगा तो मैं क्या करूँगी, अरे वाह आदित्य का पेपर तो मेरे को एक ऐसा लगेगा डायमंड है, तो मैं इसके कोई मार्क्स नहीं काटूंगी। तो ये रेफरेंस एक्चुअली कैसा है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि तू बंडल जो बनेगा उसके आगे पीछे के पेपर्स कैसे होंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से लिखो चीज़ों को, ठीक है, प्रॉपर हेडिंग दो, प्रॉपर पॉइंट्स दो, पैराग्राफ पैराग्राफ में मत लिखो, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में लाइन छोड़ो, जो पता नहीं क्यों नहीं छोड़ते हो, कौन सी कंजूसी है तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स तो 4 मार्क्स के लिए लिखना ही है मिनिमम, 3 मार्क्स के लिए आता है तो 3 ही पॉइंट लिखने, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन 1 मार्क कैरी करेगी, ठीक है। खैर, यूजेज आ सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, कि डिस्कस यूजेज ऑफ SO2, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए आएगा ये क्वेश्चन, कभी आया तो आया। 1 मार्क्स के लिए आता है 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट आधा नंबर। कई लोगों के अंदर ये गलतफहमी होती है कि मैडम 1 मार्क के लिए आया है तो 1 ही पॉइंट लिखेंगे ना। नहीं भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो उसका 1 पॉइंट 1 मार्क की औकात का है कि उसका 1 पॉइंट आधा मार्क की औकात का है। तो यूजेस के जो पॉइंट्स होते हैं इनमें आपका अगर पेपर में मेंशन कर दिया डिस्कस 2 यूजेस, राइट 2 यूजेस, राइट 3 यूजेस, तो एग्जैक्टली उतने लिखो। बट अगर सिर्फ इतना लिखा है राइट यूजेस, तो क्वेश्चन पे मार्क्स कितने हैं उसके हिसाब से जजमेंट करो। अगर 1 मार्क के लिए यूजेस लिखना आया है तो 2 पॉइंट्स लिख कर आओ, 2 मार्क्स के लिए लिखने को आया है तो 4 यूजेस लिख कर आओ, और 2 से ऊपर कभी नहीं आते यूजेस लिखने के लिए, ठीक है। डन। तो देखो, इसमें कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है कि तुम इसको कहाँ कौन सी यूजेस लिखते हो। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो मैं ये बिल्कुल लिखती, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर इन ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क, मैं एक ये लिखती, एज एन एंटी क्लोर, मैं इसको अपना तीसरा पॉइंट बनाती, और उसके बाद मैं इसको अपना चौथा पॉइंट बनाती एज एन डिस इन्फेक्टेंट। याद करिए, जब आप 10th क्लास में हुआ करते थे, स्पेशली CBSE वाले स्टूडेंट्स, उनको एक चैप्टर हुआ करता था एसिड बेसिस इन सॉल्ट, है ना, केमिस्ट्री का। तो जो सॉल्ट वाला चैप्टर था उसमें आपको एक था कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग, ब्लीचिंग याद करो, तो वहाँ पे था ना एज एन डिस इन्फेक्टेंट, स्विमिंग पूल्स को क्लीन करने के काम आता है वगैरह वगैरह। तो ये वही है, ठीक है, वैसा ही ये वाला कोई डिस इन्फेक्टेंट के तौर पर, ठीक है। और उसके अलावा मैं ये सब याद नहीं रखती, ये 2 पॉइंट्स में याद नहीं रखती। जो दिमाग पे याद करने में ज़ोर पड़ रहा है उनको, जो अभी ज़ोर पड़ रहा है, आप ये मेरे से लिखवा लो, एग्ज़ाम में भी वो चीज़ याद नहीं आएगी। सो बेटर है लिव इट नाउ, और बेटर टू गो विथ ईजी वन। और मैं ये याद करती एज अ प्रिजर्वेटिव। अब तुम्हारा डाउट होगा, मैडम किस चीज़ का प्रिजर्वेटिव, तो हम लोगों को रिसर्च नहीं करनी है कि किस चीज़ के प्रिजर्वेटिव के तौर पर आप इसको यूज़ करते हैं, बट आपको इतना याद रखना है कि एज अ प्रिजर्वेटिव आपको जो अच्छे लगते हैं आप वो पॉइंट्स याद कर लीजिए। मैं तो सजेस्ट करूँगी 5 पॉइंट्स जो मैंने मार्क करवाए हैं उन्हें याद करो, आखिरी के 2 के साथ तो मत ही जाओ, बट चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम्हें आखिरी के 2 पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो तुम उनको भी इंक्लूड करके याद कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो इतना ही करती, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा था हमारा, 10वां चल रहा था, ये 11वां हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ SO2।
तो देखो एसओ टू का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। अगर मेरे को पेपर पूछना होता तो मैं आपको एक्चुअली ये पूछती, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ड्रॉ एसओ टू एंड इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उसका क्या ड्रॉ करो, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो ऐसे केस में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ड्रॉ करना पड़ता पॉइंट नंबर वन में, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर टू में आपको ये लिखना पड़ता ऐसा, पॉइंट नंबर टू में ऐसे लिखते ज्योमेट्री, ज्योमेट्री लिखते, ज्योमेट्री के बाद ऐसी दो बिंदी डालकर लिखते एंगुलर, ठीक है, ऐसा लिखते। अच्छा, मैंने एक हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो देखो तो मैं शेयर किया था, उस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर तीन में मैं क्या लिखती, बॉन्ड एंगल हेडिंग डालती, शॉर्ट में मत लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, बॉन्ड एंगल में लिख देती 119.5, ठीक है, ये मैं ऐसा लिख देती। ये हो गया मेरा एक डेटा। अब कई बार कैसा होता है, एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल हमें याद नहीं रहता है, SO2 के आप रफली ऐसा भी याद कर सकते हो, अगर आपको एग्जैक्ट याद ना हो तो अप्रॉक्स 120 डिग्री, ठीक है। फिर मैं पॉइंट नंबर चार क्या लिखती, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ क्या लिख देती, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे करती मैं, ठीक है। ये मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ये मतलब नहीं होता ऐसे ड्रॉइंग बनाकर आ गए, उसमें ये भी लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो आपका पर्टिकुलर पैराग्राफ है, वाह वाह, ये वो पर्टिकुलर पैराग्राफ है जहाँ से आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सीधा सीधा MCQ टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, सीधा सीधा। अभी यहाँ पर मैं अगर होती एग्जामिनर, मैं पता है क्या करती, आपको SO2 का स्ट्रक्चर पेपर में मैं बना कर देती, ठीक है, कि लो भैया ये SO2 का स्ट्रक्चर। अब तुम सोचोगे कि मैडम आप SO2 का स्ट्रक्चर बना के क्या करते, अब सुनो मैं उसके सब पॉइंट्स उनसे कैसे पूछती, हाउ मैनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, मतलब मैंने आपको जो SO2 का एक स्ट्रक्चर बनाकर दिया है इसके और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, राइट, जिसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, रेजोनेटिंग के अलावा आप कैनोनिकल भी बोल सकते हो, तो मैं ये पूछ लेती, तो आप वहाँ जवाब देते टू, ख़त्म। फिर मैं उसी का एक और सब पार्ट बना लेती कि व्हाट इज़ दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर, तो तुम जवाब देते मैडम sp3। फिर मैं एक और क्वेश्चन बना लेती, व्हाट इज इट्स ज्योमेट्री, तो तुम जवाब देते एंगुलर, तीन क्वेश्चन बन गए। फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछती, व्हाट इज इट्स बॉन्ड एंगल, तुम अगर एग्जैक्ट याद है तो एग्जैक्ट बता दो, नहीं याद है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए अप्रॉक्सीमेट बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के आसपास, आई एम रियली सॉरी 9 डिग्री के आसपास होना, एक मिनट, लेट मी करेक्ट, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए बॉन्ड एंगल लगभग 120 के आसपास होना चाहिए। तो अगर तुम्हें 119.5 याद नहीं है तो तुम लिख दो अप्रॉक्स 120, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक टीचर MCQ में पूछना चाहे पूछेगा ही पूछेगा, कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में आपने ये जो डबल बॉन्ड बनवाए हो, ठीक है, आपने ये जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड बनवाए हो भाई साहब, इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड का कौन सा बॉन्डिंग है, तो पता होना चाहिए कि ये कौन सी बॉन्डिंग है, dpi-pi बॉन्डिंग, मतलब सल्फर का वैकेंट डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तब जाके सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। तो इसको अपने नोट्स नंबर 2 में डाल लेना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इवन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो कई बार मेंस वगैरह में भी अलग अलग तरीक़ों से पूछे जाते हैं कि इस फलाने स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्डिंग है, एंड यूजुअली वो सल्फर के ही कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग पाई बॉन्ड बनाने के लिए जनरली 99% केसेस में वैकेंट डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है dpi-pi बॉन्डिंग। कल को क्वेश्चन पूछ रहे विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो हम जवाब देंगे dpi-pi बॉन्डिंग, इज इट ओके, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। ये हो गया हम लोगों का पॉइंट, ठीक है, तो ये नोट्स में लिख लेना क्वेश्चन नंबर 12। और उसके अलावा फिर सल्फ्यूरिक एसिड में मूव कर जाते हैं।
अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने वाले तरीके का नाम है, ठीक है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, 1 मार्क के लिए। मतलब पूछा जाए कि भैया कि पता भी है कि नहीं है तुझको कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसे कहते हैं, राइट। तो ऐसे केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको आंसर लिखना है 1 मार्क्स के लिए, ख़त्म। अगर 1 मार्क्स के लिए आता है तो, और अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है, तो आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। अब सुनो जरा, जो स्टूडेंट्स कोविड के टाइम पीरियड में पेपर लिख रहे हैं उनके एग्ज़ाम से ये पर्टिकुलर चार्ट डिलीटेड है। मतलब इस पर्टिकुलर चार्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब जैसे इस पर्टिकुलर चार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे का मतलब ये होता है, डायग्राम बनकर आएगा, राइट। डायग्राम में आपको हो सकता है कुछ लेबल्स गायब कर दिए जाएं और आपको कुछ लेबलिंग भरने को दे दी जाए कि इसकी जगह क्या, इसकी जगह क्या। इस टाइप का क्वेश्चन कोविड वालों के लिए नहीं है, उनके पार्ट से ये पर्टिकुलर चीज डिलीटेड है। बट जो बच्चे कोविड में एग्ज़ाम नहीं देंगे, जो आफ्टर कोविड देने वाले हैं या जिनके इसमें ये पोर्शन डिलीटेड नहीं है, उनके लिए हो सकता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14, अभी जो लोग कोविड के नोट्स बना रहे हैं वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपनी नोट्स कॉपी में इंक्लूड मत करना कि ड्रॉ द फ्लो डायग्राम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आप लोगों का सल्फ्यूरिक एसिड, ये ऐसा आ जाए और आपको ये ड्रॉ करना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर मान लेते 3 मार्क्स के लिए ड्रॉ करने को आता है तो देखो ना कितना बढ़िया है, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा ड्रॉ करने में, कुछ लर्न भी नहीं करना पड़ रहा है, फटफट मार्क्स भी आ जा रहे हैं। बट कोविड में नहीं आएगा, हो सकता है कल को डायग्राम बन के आता, कुछ लेबलिंग गायब कर देता और वो लेबलिंग आपको पूछने लगा देता, तो वो भी एक तरीका हो सकता था, है ना। खैर, अभी क्वेश्चन नंबर 15, इससे कैसा आएगा आप लोगों के पास, डिस्क्राइब कॉन्टैक्ट प्रोसेस। मतलब या तो इस तरीके से आ जाएगा कि पूरी की पूरी प्रोसेस को आप डिस्क्राइब करिए, या फिर ऐसा आएगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर एस आपका H2SO4, ठीक है, आप किस तरीके से क्या करने वाले हैं, H2SO4 प्रिपेयर करेंगे, ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेगा, फिर आप क्या करने वाले हैं बताओ। तो ऐसे केस में ये जो आप लोगों का ये पॉइंट है, ये आपका पहला पॉइंट बनेगा। पहले तो डिस्क्राइब करो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती क्या है, फिर पॉइंट नंबर 2 डालो, ठीक है, स्टेप्स के बाद आप सब पॉइंट्स बनाओ कि ये पॉइंट नंबर 1 है मेरा, ठीक है। ऐसा लिखना कि आप लोगों के सल्फाइड ओर, ठीक है, ऑन रोस्टिंग इन एयर प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब बाकी काट देना, आयरन पाइराइड बर्निंग ये सब काट देना, रोस्टिंग वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया था SO2 गैस आप बर्निंग करने से भी पैदा कर सकते हो, बट दिक्कत ये है कि SO2 गैस को पैदा कर रहे हो, इससे बेटर है कि जब हम उस आयरन को या किसी दूसरे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस के दौरान SO2 गैस अपने आप यार बाहर आ रही है, तो जो SO2 गैस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अपने आप बाहर आ रही है उसको यूज़ कर लो ना, क्यों जाके ज़बरदस्ती के फालतू के सल्फर खरीद के उसको जला कर फिर SO2 प्रोड्यूस कर रहे हो, राइट। तो बेटर क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी सल्फाइड वाले ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हीटिंग करने से अपने आप SO2 गैस बाहर आती है और उस SO2 गैस को आपको क्या करना होता है, यूज़ करना होता है, ठीक है। चलो मैं एक बार अच्छे से मार्क करा देती हूँ, ये ऐसा पूरा लिख लेना, ये पूरा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक बैलेंसिंग, ये नॉर्मल बैलेंसिंग है जो आप 10th क्लास में करते थे ना, ये नॉर्मल बैलेंसिंग है, कर लेना, ओके। अच्छा, उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 2 आपको लिखना होगा। पॉइंट नंबर 2 में आप क्या लिखोगे, जो कि हम लोगों का ऑलरेडी SO2 का पॉइंट था कि SO2 जब O2 के साथ V2O5 के प्रेजेंस में हीट होती है तो क्या पैदा करती है, SO3 पैदा करती है। तो यहाँ पे भी आप वही लिखोगे, क्या बताओ, वही कि SO2 गैस रिएक्ट्स विथ O2, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ज़रूरी नहीं है कि ये बुक वाले की लैंग्वेज लिखनी, अपनी लैंग्वेज, SO2 रिएक्ट्स विथ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एज अ कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस SO3 गैस, और फिर नीचे लिख देना उसकी रिएक्शन, ठीक है, बराबर। अच्छा,
और ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें अगर लिखना है तो ये लिख लेना, लो टेम्परेचर वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, एंड हाई प्रेशर ठीक है आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3। बल्कि इसको तो अपना नोट्स नंबर 3 बना लो। मैं जिस दिन ये पढ़ा रही थी ना H2SO4 का, मैंने जिस दिन वीडियो बनाया था उस दिन की वीडियो क्लास में ना एक्चुअली मैं इस पॉइंट को डिस्कस करना भूल गई। आपने ली चार्टिलियस प्रिंसिपल पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में, किस तरीके से कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से प्रेशर का फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से वॉल्यूम से फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से इनर्ट गैस से फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है। तो ये वही पॉइंट है कि यहाँ पे आप टेम्परेचर अगर कम करोगे, डिक्रीज करोगे, क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आप जितना टेम्परेचर कम करते हो, रिएक्शन उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, मतलब उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। और साथ ही साथ में आप जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है 11th क्लास में जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने जो ली चार्टिलियस प्रिंसिपल पढ़ा था ना, कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, इफ़ेक्ट ऑफ वॉल्यूम वगैरह वगैरह, वो इसका रीज़न है। तो इसी पॉइंट में लिख देना, फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO2। पहला, लो टेम्परेचर, एग्जैक्ट वैल्यू आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हाई प्रेशर, एग्जैक्ट वैल्यू आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बस लो टेम्परेचर हाई प्रेशर याद रखना। इवन हो सकता है मेंस में भी कल को ये एमएसटी सीटी में ही कल को इससे सवाल पूछ लिया जाए कि फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ SO3 गैस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मतलब बेस्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए, थ्योरी है जिसको रटा है वो बता देगा कि ये है, राइट। खैर, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। उसके बाद ये लिखना कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन कंसनट्रेटेड H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम। क्या बताया था मैंने कि जो ताज़ा SO3 निकलती है उस SO3 गैस के ऊपर हम लोग H2SO4 छिड़कते हैं एकदम प्योर वाला, ताकि वो ओलियम बनाता है। फिर उस ओलियम की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ताकि वो H2SO4 बनाता है, ख़त्म। तो ये पॉइंट नंबर 3 लिखोगे जो मैंने ऊपर मार्क कराया है, ये पॉइंट नंबर 3 की रिएक्शन लिखोगे। अब पॉइंट नंबर 4 में आपको क्या लिखना है? पॉइंट नंबर 4 में ये लिखोगे, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम विथ वाटर गिव सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 में ये पॉइंट आपको लिख देना है ठीक है, ये वाला बराबर। अच्छा, और बाकी तो एक GK फैक्ट लिखा है कि ये 96 से 98% प्योर H2SO4 रहता है, ये डेटा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने H2SO4 टोटल 4 पॉइंट्स में बना ली ठीक है। ये आपको लिख के अपने पेपर में एग्जाम में फुर्सत होना है। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन तो तुमसे पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्वेश्चन नंबर 16, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ H2SO4। तो इसमें भी मैं यही कहूँगी, पहले पॉइंट के सब पॉइंट्स बना लो। ऐसा, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ कलरलेस, पहला पॉइंट। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ डेंस, पॉइंट नंबर 2। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ए ऑयली लिक्विड, पॉइंट नंबर 3, ख़त्म। ये एग्जैक्ट डेंसिटी इसकी वैल्यू इतनी इतनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इज़ नॉनसेंस, नो नीड टू लर्न दिस। किसी को याद नहीं होता है, पानी की डेंसिटी याद रहे वही बहुत बड़ी बात है, इतने केमिकल की डेंसिटी याद करके कोई मतलब नहीं है ठीक है। अच्छा, इट फ्रीजेज एट इतना, यूजलेस पॉइंट, डोंट लर्न इट, मत लर्न करो। हाँ, ये पॉइंट याद कर लो, इट इज़ हाईली करोसिव। ये तो बल्कि आपको 10th में भी था या फिर 9th में होगा जब आपने एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ी होगी, है ना। अच्छा, कि अगर ये किसी भी पर्टिकुलर मेटल पे गिर जाए या किसी सरफेस पे गिर जाए तो जला देता है सरफेस को, इसलिए हाईली करोसिव। बस ये आपका मस्त है पॉइंट नंबर 4, ख़त्म। ये टोटल 4 पॉइंट, कलरलेस, ऑयली लिक्विड, डेंस होता है, और साथ ही साथ में करोसिव होता है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो इट इज़ हाईली डेंजरस, बस ठीक है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में ख़त्म। यूजेस देखो पूछे जा सकते हैं, तो यूजेस वाला पार्ट ये रहा यूजेस वाला पार्ट। अब इसमें अगेन मैं वही कहूँगी, तुम्हारी चॉइस है, कभी भी 2 मार्क्स से ऊपर यूजेस लिखने के लिए मुझे ये लगता कभी कोई एग्जाम में पूछा जाएगा, बिकॉज यूजेस इज नॉट एट ऑल कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में, बल्कि चीज़ें ऐसी पूछी जाती है, राइट 2 यूजेज, राइट 3 यूजेज, राइट 4 यूजेज, बस दैट्स ऑल। ऐसा नहीं पूछ लेगा कि 4 मार्क के लिए यूजेस का बड़ा सा कोई क्वेश्चन क्रिएट कर दिया,
बुक वाले ने इतने सारे दिए हैं, इट डजेंट मीन्स कि आप उतने सारे याद करेंगे। इसमें आपको जो अच्छा लगता है आप याद करिए, ठीक है। अगर मुझको चॉइस मिलती तो देखो मैं उसमें क्या क्या याद करती। मैं उसको याद करती इन स्टोरेज बैटरीज, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक लेड स्टोरेज सेल नामक एक टॉपिक होता है, वहाँ पे H2SO4 यूज़ होता है। और H2SO4 को केमिकल लैब्स में, जब आप लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक बेस्ट रिएजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट भी इसको यूज़ किया जाता है, एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें चॉइस आपकी, आप कोई भी चार पॉइंट्स अपने हिसाब से लर्न कर लीजिए। इसके यूजेस में मैं मार्क नहीं करा रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले टॉपिक में अगर हम आ जाएँ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18 में, तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत सारी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी हैं। एक एसिडिक प्रॉपर्टी दी है, एक ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दी है, और एक डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी दी है, और एक रिएक्शन विद सॉल्ट दिया है, एक ये वाली प्रॉपर्टी दी है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करें। अच्छा, और दिया है क्या? नहीं, और नहीं दिया है। तो इसमें हो सकता है, माइट बी कि डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज़ करके चार मार्क का क्वेश्चन क्रिएट कर दे। बट अगर मान लेते हैं चार मार्क का क्वेश्चन ना क्रिएट करते हुए वो अलग अलग एक एक मार्क्स के या दो दो मार्क्स से क्वेश्चंस क्रिएट करता है सिर्फ एक एक प्रॉपर्टीज़ को लेकर, तो कैसा होगा? जैसे क्वेश्चन ये आ सकता है, डिस्कस, ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। H2SO4 की एसिडिक प्रॉपर्टी को आप डिस्कस करिए, ठीक है। तो उसमें बस तुम्हें ये लिखना है, यहाँ से लेके देखो इतना पॉइंट, ये सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइजेस इनटू टू स्टेप्स, ये वाला, ये दोनों याद रखना है। ये वैल्यूज़ याद करने की नीड नहीं है, बट इसमें बस मैं इतना कहूँगी कि आप लोगों को यहाँ पर रुको, ये वैल्यू याद रख लो, बेटर रहेगा, ठीक है। बस ये एसिडिक प्रॉपर्टी में इतना लिख देना, और उसके बाद बस ख़त्म, ये इतना लिख के ख़त्म, केमिकल एसिडिक प्रॉपर्टी में इतना। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से ज़्यादा कोई क्वेश्चन क्रिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ये आ जाएगा, डिस्कस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ आपका H2SO4 विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने बताया था ये मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करता है, नॉन मेटल्स के साथ भी करता है। नोट्स कॉपी में तो मैंने हो सकता है ज़्यादा मेटल्स लिखवाए हो, ज़्यादा नॉन मेटल्स लिखवाए हो, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको जो बुक्स में है वही पूछेगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछने वाला है। तो अगर कॉपर एक मेटल है तो बस याद रखना कि वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब जैसे SO2 दूसरों को रिड्यूस करता था, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये मेटल के साथ पहली कॉपर कन्वर्ट, मतलब कॉपर को कन्वर्ट कर देगा कॉपर 2+ में, और खुद को H2SO4 कन्वर्ट कर लेगा SO2 में। बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इस रिएक्शन को इतना भी लिखते हैं कि कॉपर प्लस H2SO4 एरो Cu2+ SO2, ठीक है, तो भी चलेगा। बस स्टेटमेंट लिख देना कि इट कन्वर्ट्स कॉपर इनटू कॉपर 2+ एंड H2SO4 इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन एंड प्रोड्यूसेस SO2। जैसे मैंने क्या कहा था, SO2 हमेशा कन्वर्ट होता है SO4 नेगेटिव में, वैसे ही हमेशा H2SO4 खुद को ऑक्सीडाइज, खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है, SO2 में। फिर सल्फर के साथ रिएक्शन है, कार्बन के साथ रिएक्शंस है, तो अगर इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के तौर पर इस क्वेश्चन को अगर पूछा जाता है तो आपको ये टोटल 3 रिएक्शंस लिखनी है एंड योर क्वेश्चन विल बी ओवर। डिहाइड्रेटिंग में ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ आ गया, 19 में चल रहे थे ना हम लोग, हाँ। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से आ जाएगा, डिस्कस, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4, ठीक है। अच्छा, बस इतना लिखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बस इतना। और ये रिएक्शन आपको लिख देनी है, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 20। बट इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट
डेफिनेशन या बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन या एक नया क्वेश्चन क्रिएट करके पूछा जा सकता है वो ये, ठीक है, व्हाट इज चेरिंग, वो ये कह रहा है अगर हम किसी शुगर में या किसी कार्बोहाइड्रेट के सब्सटेंस में अगर हम लोग एसिड डालेंगे तो उसके अंदर का सारा पानी बाहर आ जाएगा और सिर्फ काला का मतलब जो आपकी वाइट वाइट कलर की शक्कर होती है वो काली काली शक्कर हो जाएगी, तो उस काली काली शक्कर को हम लोग कहते हैं शुगर कोल और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चेरिंग, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं चेरिंग। तो अलग से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज शुगर चारकोल। अब इसको शुगर चारकोल क्यों कहते हैं, क्योंकि चारकोल का मतलब क्या होता है, जब आप लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी के जलने के बाद लकड़ी कैसी होती है, जो जल जाती है जब ठंडी हो जाती है तो काले काले कलर के उसके कोयले बन जाते हैं, उसको हम लोग कोल नहीं कहते, उसको हम चारकोल कहते हैं, क्योंकि असली वाला जो कोल होता है वो असली वाला कोल तो धरती के अंदर बनता है। अगर कोल इतनी आसानी से बन जाता तो ऐसे केस में तो हम लकड़ी को जला जला के कोयले बना लेते, यानी इसको हम चारकोल कहते हैं, राइट। जो लकड़ी को आप जैसे चूल्हा जलाते हो, चूल्हा जलाने के बाद जब लकड़ी जल जाती है तो जो बचते हैं ना उसके अंगारे जो जलते वक्त लाल लाल दिखते हैं फिर ठंडे होने के बाद काले काले दिखते हैं, दैट इज नोन एज चारकोल। तो वैसे ही जब शक्कर जल जाती है या कोई कार्बोहाइड्रेट जल जाता है H2SO4 की वजह से, क्योंकि H2SO4 पानी निकाल देता है, ठीक है, तो फिर जो काली काली शक्कर बचती है दिस इज नोन एज शुगर चारकोल। क्यों उसे चारकोल कहा है, क्योंकि वो काली है कुछ चारकोल की जैसे, इसीलिए उसको शुगर चारकोल कहा है, बराबर, क्लियर है। अच्छा, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का चेरिंग कहते हैं। तो यहाँ से अलग से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज शुगर चारकोल, तो जो मैंने ग्रीन कलर की मार्किंग की है ना, ये आप कर सकते हो, बराबर है, ठीक। और उसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से बनेगा। इसमें तो देखो कई बार स्टूडेंट्स रट्टा मारने की कोशिश करते हैं रिएक्शन को, बट मैंने आपको बताया है पढ़ाते वक्त भी कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक एसिड होना चाहिए मतलब H2SO4 और एक सॉल्ट होना चाहिए, तो प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान है। कैसे, एसिड का जो निगेटिव पार्ट है मतलब इनडायरेक्टली एसिड का जो निगेटिव पार्ट है उस निगेटिव पार्ट को सॉल्ट के पॉजिटिव पार्ट से कंबाइन करो, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करनी है जो आप 10th में करते थे ना, बस वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो तुम्हारी बुक में यहाँ पे NaHSO4 लिखा है, यानी कि H2SO4 अगर अपना एक ही एच देता है तो, अब एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना कि H2SO4 ने अपने दोनों एच दे दिए, तो ऐसे में ये भी प्रोडक्ट बन सकता है Na2SO4। अगर H2SO4 का एच अपना अगर एक एच देता है तो KHSO4 बनेगा, देखो ये वाला SO4 मतलब एक एच दिया तो HSO4 और ये के कंबाइन कर दो, वही 10th क्लास की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये KHSO4, लेकिन अगर उसने दोनों दे दिया तो K2SO4 भी बन सकता है। तो लेकिन तुम्हारे बोर्ड्स की बुक वाला ये मान के चल रहा है कि एक ही एच लूज हो रहा है, तो तुम भी एक ही मान के चलो कि एक ही एच लूज हो रहा है, ठीक है, और जो बच जाता है H2SO4 में से एक एच अगर लूज हो रहा है तो ये जो पार्ट है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनका क्रिस क्रॉस कर दो फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अलग से कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4, ठीक है, मुझे नहीं लगता, बट स्टिल प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो तुम बनाओगे वो यही बनाना कि डिस्कस, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4 और ये 4 मार्क्स के लिए। और हमने अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं एक एक करके हर प्रॉपर्टी को लिख डालना बिना किसी गड़बड़ी के, ठीक है, बिना किसी गड़बड़ी के कि अपने दिमाग लगा रहे हैं मैडम कम कर लेते हैं ज़्यादा कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है। और ये तो खैर तुम्हारी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है तो इसको तो पूछा जाएगा ही जाएगा। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 आज की मार्किंग का, ठीक है। इस रिमेंबर वाले पॉइंट को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मार्किंग करने के लिए। और एक क्वेश्चन नंबर 25 एक और देखो क्रिएट होगा, यहाँ से क्रिएट होगा, इसको अलग कलर से ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ क्वेश्चन आ जाएगा व्हाई H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सभी लोग जानते हैं कि H2SO4 को एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, बट वाई, तो ऐसे में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बेसिकली आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है,
ये नीचे की थ्योरी भी लिखनी है। ऊपर की दो रिएक्शन तो आप याद कर ही रहे थे, लेकिन नीचे की तीन लाइंस भी आपको याद करनी है, फिर आप कहोगे कि हाँ H2SO4 मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड, ये तो खैर मैं अभी पढ़ाने की हूँ, ये हम लोगों का वैसे भी आखिरी टॉपिक होगा और हमारा सिलेबस ख़त्म हो ही चुका है। ठीक है, ये क्लोरीन एंड इट्स कंपाउंड आखिरी टॉपिक है हमारा, जिसमें आपको एक खुद क्लोरीन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे H2SO4 को प्रिपेयर करना इज़ नोन एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वैसे क्लोरीन को प्रिपेयर करना इज़ नोन एज डेकॉन्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, उसके अलावा नोट्स नंबर 4 में ये लिख लेना, ओलियम का फॉर्मूला लिख लेना। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा व्हाट इज़ ओलियम, तो H2S2O7 है ना, ये पता होना चाहिए। नोट्स नंबर 5 में ये भी लिख लेना कि ये रिएक्शन लिख देना और V2O5 को ऐसा गोला मार के लिख देना कैटलिस्ट। ठीक है, नोट्स नंबर 6 में ये लिख लेना, ये चारकोल वाला। ठीक है, तो टोटल 6 नोट्स लिखने हैं। और कौन सी है क्लोरीन की, और भी कोई कंपाउंड बोला है क्या आपके सिलेबस में? हाँ, क्लोरीन का एक कंपाउंड और आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है, ये वो है HCl। जैसे सल्फर के दो कंपाउंड पढ़े, एक सल्फर की गैस SO2 और एक सल्फर का एसिड H2SO4, वैसे यहाँ पे भी क्लोरीन के दो कंपाउंड्स पढ़ने हैं, एक क्लोरीन वाली गैस यानी कि Cl2 और एक उसका एसिड यानी कि HCl। तो कल की क्लास में हम बेसिकली HCl को पढ़ेंगे क्योंकि वो शॉर्ट है और Cl2 थोड़ा बड़ा है, तो HCl पढ़ लेंगे। और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स भी मैं पढ़ा चुकी हूँ ना, मार्किंग मैंने नहीं करवाई है। ओके, मार्किंग नहीं करवाई है, ठीक है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की मार्किंग हम लोग बाद में करेंगे, एक बार ये हम लोगों का कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन पढ़ के हो जाए, फिर उस कंपाउंड ऑफ क्लोरीन के जिस दिन मैं मार्किंग करवा रही होंगी उसी दिन या फिर लेट्स से उसके नेक्स्ट डे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की करवा दूंगी, ठीक है। और उसके अलावा एक बार अभी टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं क्या कोई क्वेश्चन है जो हम लोगों को बन जाएगा। ठीक है, अब देखो MCQ नंबर 4 बोल रहा है कि HI को अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा। अब देखो थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करो, हम लोगों ने HI की रिएक्शन को भूल जाओ, हमने पढ़ा था कि I2 को अगर SO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो उसको I नेगेटिव में कन्वर्ट करता है और I नेगेटिव को ही HI कहते हैं, बराबर पढ़े थे। बट SO2 एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का था, SO2 कैसा था, एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का कंपाउंड था। कैसा था? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड था, वो I2 को रिड्यूस कर रहा था। और H2SO4 के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये शो करता है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये शो करता है, राइट। तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ पर H2SO4 को HI के साथ अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो वो HI को वापस से किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में। ये चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं लिखी हुई नहीं है, बट ये कॉमन सेंस है कि जो चीज़ SO2 के लिए पढ़ाई गई है उसका रिवर्स कर रहे हैं तो वापस से हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, I2 में पहुँच जाएंगे। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, I2। तो हमने आज जो पढ़ा उसके बेसिस पे देखो MCQ नंबर 4 हो गया है ना। अच्छा, और क्या किया जा सकता है, दो मिनट, खैर क्वेश्चन नंबर 2 में से और कुछ भी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हो अपना, इसको क्वेश्चन नंबर 26 बना लेना। व्हाट इज़ अ रिएक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 विद शुगर, बल्कि 26 बनाने की नीड नहीं है। देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 10th वाला पार्ट है ना, ठीक है। हमने ये जो मार्किंग की है ना ऊपर, कहाँ गई, हाँ ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 20 की डिस्कस द डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, इसी क्वेश्चन में लिख देना। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 10th ये मत लिख देना, क्वेश्चन नंबर 2 का 10th वहाँ पे क्वेश्चन भी लिखना, और जितना मैंने वहाँ मार्क करवाया था एग्जैक्टली वही आंसर इसके लिए भी होगा। तो बार बार मत लिखो, एक ही बार लिख दो। तो ये हो गया हम लोगों की, राइट। अच्छा, और बोलो क्या है, और नीचे क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। तो हाँ देखो, पढ़ो, गिव टू केमिकल रिएक्शंस टू एक्सप्लेन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। देखो H2SO4 टोटल 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस देता है, पहली एसिडिक नेचर, दूसरी ऑक्सीडाइजिंग नेचर,
तीसरी डिहाइड्रेटिंग नेचर और चौथी सॉल्ट्स। तो इस बार टेक्स्ट बुक वाले ने खुद क्वेश्चन पूछ लिया है कि सिर्फ दो केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ जिससे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कंसंट्रेटेड H2SO4 की समझ में आ जाती है। तो इसकी भी मैं मार्किंग ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, देखो कहाँ पे करवाई है। H2SO4 के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था, ठीक है, ये देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। पेपर में उसने मतलब एक्सरसाइज में उसने दो रिएक्शंस पूछी है, बट टेक्स्ट बुक में टोटल कितनी रिएक्शंस दी हैं, तीन। मैंने क्या कहा था, तीनों याद कर लो, है ना, उसके बाहर वो कुछ नहीं पूछेगा। तो हो सकता है पेपर में आपसे तीन भी पूछ ले, या हो सकता है दो पूछे, या हो सकता है एक पूछे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, यही बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो, आई थिंक देखना पड़ेगा यार कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, वही क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर कौन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो क्लियर है अली चीज़। तो हम जो मार्किंग करते हैं वो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, बहुत कुछ सब कुछ टेक्स्ट बुक में हुई का ही मार्क कर रहे हैं, कुछ भी बाहर का नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक और क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, देखो ये देखो 3 की 5 की मार्किंग हो गई, ठीक है। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, क्या मैंने ये क्वेश्चन मार्क नहीं करवाया आज, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 के नाम पर मैंने इसी को मार्क करवाया था, चेक करो क्वेश्चन नंबर 12 के नाम पर मैंने इसी को आज मार्क करवाया है। SO2 का स्ट्रक्चर कहाँ गया, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 के नाम पर मैंने इसी को मार्क करवाया है। तो जो मैंने मार्क करवाया है वही आपकी एक्सरसाइज में भी है, तो यही क्वेश्चन नंबर 12 बेसिकली आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है। तो हमने, मैंने तो एक्सरसाइजेज में अभी देख रही हूँ तुम्हारे सामने, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि एक्सरसाइजेस देख लेती हूँ उसके हिसाब से मार्किंग कराती हूँ, मैं पढ़ाने के बाद उसके हिसाब से मार्किंग कराती हूँ, फिर देखते हैं कि हमारी मार्किंग से एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बुक में डायरेक्टली नहीं होते, उसके लिए टारगेट ही देखनी पड़ती है, तो टारगेट वाली चीज़, ठीक है। खैर, फिर उसके अलावा अभी तो हम लोग क्लोरीन वाला खैर पढ़ने के हैं, इंटर हैलोजन की मार्किंग मैं करवाने की हूँ, तो इधर से तो और कुछ हम मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। और हाँ देखो एक और, गिव टू रिएक्शंस शोइंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों सेम हो गई, बताओ। तो मेरे हिसाब से वो पगला कैसा है, एक जगह H2SO4 लिखना चाह रहा था और एक जगह वो SO2 लिखना चाह रहा होगा, बट क्योंकि ये पहला एडिशन है किताब का, जब पहली बार सिलेबस चेंज हुआ था, पहली बार किताब पब्लिश हुई थी, तो इसलिए दोनों तरफ गलती से H2SO4 आ गया है, अदरवाइज वो एक तरफ H2SO4 लिखना चाह रहा होगा और एक तरफ वो SO2 लिखना चाह रहा होगा, ठीक है। तो जाने दो, हम लोग उसके हिसाब से नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 को मार्क किया, बिल्कुल किया, देखो बुक में भी है डिटेल में, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, क्वेश्चन नंबर 4 का 4, हमने भी तो मार्क किया है ना, हमने भी तो मार्क किया डिस्क्राइब कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो यही क्वेश्चन नंबर 4 का 4 भी है टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो ये देखो ये भी हमारी मार्किंग हो गई। तो जो मार्किंग करवाई जा रही है सब कुछ उसी में से ही आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, हाउ इज SO2 प्रिपेयर्ड इन लैब, मैंने बोला था SO2 को प्रिपेयर करने के 3 तरीके होते हैं, एक नॉर्मल, एक लैब वाला और एक इंडस्ट्रियल। इसने स्पेसिफिकली पूछ लिया है लैब वाला, बट ये इतना दयावान है कि एक स्टूडेंट ताकि कंफ्यूज ना हो तो बाजू में उसने लिखकर भी दिया है फ्रॉम सल्फाइट ITE। नहीं तो मैंने क्या कहा था ITE और IDE में कंफ्यूज मत हो जाना कि लैब वाला कौन है और इंडस्ट्री वाला कौन है, याद आया है ना, तो इसने यहाँ लिखकर दिया है। तो ये तो मैं ऑलरेडी मार्क करवा चुकी हूँ, लेकिन इसी क्वेश्चन को आप और आगे रीड करो। गिव टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, यानी कि इसने 2 डिफरेंट क्वेश्चंस को क्लब करके एक नया क्वेश्चन बना लिया है ना। मैंने SO2 की मार्किंग फिजिकल प्रॉपर्टीज की अलग करवाई थी, प्रिपरेशन वाले मार्किंग मैंने अलग करवाई थी, राइट, याद आ रहा है, इसने उन दोनों को क्लब कर दिया उठाकर। तो ऐसे में आपको जो भी मार्किंग कराई जा रही है, ज़रूरी नहीं है कि सवाल पेपर में हूबहू वैसे का वैसा आ जाए, आप उसको लर्न करो हूबहू वैसे का वैसा, उसके वो 2-3 सब पार्ट्स में आपको वो चीज़ें पूछ सकता है, जब वो आपको 2-3 सब पार्ट्स में पूछेगा और चीज़ें आपको लर्न होगी तो ऑटोमेटिकली आप सब पार्ट्स में खुद आंसर दे देंगे, आपको नीड नहीं पड़ेगी किसी की कि अरे मैडम आपने देखो ना ऐसा हूबहू क्वेश्चन नहीं लिखवाया था इसलिए मैं नहीं कर पाया या कर पाई, ऐसा नहीं बोल सकते आप फिर,
ठीक है, क्योंकि आपने अगर लर्न किया है तो आप उस लर्न की हुई चीज को क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से मार्क कर सकते हो. इज इट क्लियर? ठीक, डन, ओके. तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग अभी फटाफट इसको. लेकिन कॉपी में तुम्हें लिखना है ये, आई थिंक तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26 बनेगा आज की क्लास का. क्वेश्चन नंबर 26 किधर है? किधर है यार, ऊपर हमने जो मार्किंग की थी ना. अच्छा 25 बनेगा, सॉरी. ठीक है, डन. तो यहाँ पे कंपाउंड्स और सल्फर वाली नोट्स मार्किंग ख़त्म हो जाती है और कल हम लोग क्लोरीन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले HCl पढ़ेंगे. ठीक है, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, इसका तो देखो मैक्सिमम पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ. कोशिश करूँगी कि मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूँ ताकि कुछ लोगों ने जो ने उस वक्त नहीं किया था वो लोग कर सकें. और जो मैं बोल रही थी ना हमारा बाकी है, कोविड ने तो उसको डिलीट ही कर दिया. बताओ क्या बाकी है, इसमें कुछ नहीं बाकी है, एक या दो पैराग्राफ ही बाकी होंगे. तो इस चैप्टर के ख़त्म होने के साथ साथ हम इसको मार्क कर लेंगे. तो अभी पी ब्लॉक हमको कितने दिनों में हमारा ख़त्म हो जाएगा? सिर्फ दो टॉपिक्स मुझे तुम्हें पढ़ाने, एक HCl वाला और एक Cl2 वाला. वैसे तो मैं पढ़ाने जाऊँ तो हार्डली एक ही दिन में पढ़ा सकती हूँ, एक घंटे दो घंटे के अंदर तेज़ी से. बट मतलब क्या है तेज़ी से पढ़कर, आराम से पढ़ो धीरे धीरे समझते हुए. और नोट्स मार्किंग, तो यानी कि इनडायरेक्टली मुझे 3 से 4 क्लासेस लगेंगी. तो इस मंथ की एंडिंग तक आने वाले नेक्स्ट 4 दिनों में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और पूरे के पूरे स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स पूरी तरीके से फिनिश, एक भी टॉपिक उसमें छूटा हुआ नहीं है स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स का. फिर ये जो 8वां चैप्टर है ये तो वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट जैसे मैंने कहा एक तो मैंने इसकी नोट्स मार्किंग भी नहीं करवाई है. चलो वो मैं फुर्सत मिल के करवा दूँगी. मैंने बहुत सारे चैप्टर्स की नोट्स मार्किंग नहीं कराई, जैसे आई थिंक आयोनिक इक्विलिब्रियम की भी नहीं करवाई क्योंकि मैंने बहुत स्टार्टिंग में पिछले साल ही पढ़ा दिया था. इसको भी मैंने लास्ट ईयर ही पढ़ा दिया था तो इसकी भी नोट्स मार्किंग नहीं करवाई है. तो जिन चैप्टर्स की नोट्स मार्किंग नहीं की है उनको मैं करवा दूँगी, बट पूरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद. ओके, तो इस नेक्स्ट 4 दिनों में हमारा टारगेट क्या है, पी ब्लॉक को ख़त्म करना और देखना कि हमारा डी ब्लॉक में क्या बाकी है, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ पुढ़ा के ख़त्म करना, फिर ताकि हम बोल सकें कि हाँ हमारा 8वां चैप्टर भी कंप्लीट है. 9th चैप्टर भी मैं बहुत पहले ही करा चुकी हूँ, ऑलमोस्ट आपका जब दिसंबर चल रहा था तभी मैंने करा दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ये वाला पार्ट. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो है हेलोजन डेरिवेटिव्स ये तुम लोगों का अभी चल रहा है और ये भी ख़त्म ही होने में आ गया है. इसकी मैंने नोट्स मार्किंग नहीं करवाई है इसलिए तुमको पता नहीं चल रहा है कि मैडम ये ख़त्म हुआ है नहीं ख़त्म हुआ है. ये भी इस आने वाले 4 या 5 दिनों में ये भी ख़त्म हो जाएगा. तो हमारा जो नया मंथ होगा उस नए मंथ में जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एक डी ब्लॉक की मार्किंग, उस नेक्स्ट मंथ के हम टारगेट क्या रखेंगे, डी ब्लॉक का रिमेनिंग बचा कुचा पार्ट अलॉन्ग विथ इट्स मार्किंग उसे कंप्लीट किया जाए. आपकी टेक्स्ट बुक में एक चैप्टर है नैनो टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ही आसान सा आई थिंक 4 मार्क्स के वेटेज वाला वो टॉपिक है, उसको कंप्लीट किया जाए. ठीक है, डन, ओके. और उसके अलावा साथ ही साथ में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स. ठीक है, तो तुम्हारा फिर कुछ सिलेबस बचता ही नहीं है, 11, 12 और 13 यही. बाकी बायोमोलिक्यूल्स वगैरह तो पहले ही पढ़ चुके हो, बाकी सब तो ख़त्म हो चुका है. बस टुकुर टुकुर स्पीड में अपनी चलते हुए धीरे धीरे इसको ख़त्म कर लेंगे. ठीक है, चलो फिलहाल अभी इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं.